हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में कि कितने सब्सक्राइबर होने पर कौन से प्ले बटन क्रिएटर्स को दिए जाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। गाइस, आप सब लोगों ने यूट्यूबर्स को देखा होगा जिनके पास सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन होगा। इन यूट्यूबर्स को ये प्ले बटन क्यों दिया जाता है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि YouTube उनको ये अवार्ड देता है। तो YouTube एक कंपनी है और कंपनीज की तरह YouTube भी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पैसे कैसे कमाता है? YouTube खुद से कोई वीडियो नहीं बनाता और ना ही वो खुद से कोई वीडियो अपलोड करता है, तो फिर ये पैसे कैसे कमाता है, वो भी लाखों और करोड़ों में। गाइस, YouTube खुद वीडियो नहीं बनाता, YouTube उसकी वीडियो पर ऐड दिखाकर पैसे कमाता है। बेसिकली देखा जाए तो YouTube तभी पैसे कमाएगा जब उसके क्रिएटर वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, और YouTube उन वीडियोस पर ऐड दिखाकर पैसे कमाएगा, और इस तरह से YouTube भी पैसे कमाएगा और अपने क्रिएटर्स को भी पैसे देगा। YouTube अपने क्रिएटर को मोटिवेट रखने के लिए, ताकि वह प्रोत्साहित रहें और वीडियोस बनाए, इसलिए YouTube जो है उन्हें YouTube क्रिएटर अवार्ड देता है। तो अब बात करते हैं YouTube अपने क्रिएटर को कितने टाइप के अवार्ड्स देता है। तो फर्स्ट है सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन उन चैनल्स को दिया जाता है जिनके 100K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर, तो वो सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आपको सिल्वर प्ले बटन के बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। नंबर दो पर आता है गोल्ड प्ले बटन। जब किसी चैनल के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उनको गोल्ड प्ले बटन मिलता है। इसके भी आपको इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। जो नंबर थ्री पर आता है वो है डायमंड प्ले बटन। जब कोई चैनल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरा कर लेता है तो उस चैनल को डायमंड प्ले बटन मिलता है। इंडिया में 10 मिलियन वाले चैनल बहुत ही कम हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से गिन सकते हैं। नंबर फोर पर आता है कस्टम क्रिएटर अवार्ड। ये अवार्ड उस चैनल को दिया जाता है जिसके 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस अवार्ड को रूबी क्रिएटर अवार्ड भी बोलते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। ये सबसे पहले प्यूडीपाई को मिला था 28 दिसंबर 2016 को। तो प्यूडीपाई ने इसको निकनेम दे दिया था रूबी क्रिएटर अवार्ड, क्योंकि उसे जो कस्टम क्रिएटर अवार्ड मिला था वो एक रूबी कलर में था, और वो अवार्ड उसके उस चैनल के लोगो के शेप में मिला था। फिलहाल जो कस्टम क्रिएटर अवार्ड है, या रूबी क्रिएटर अवार्ड कह लें, ये अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 22 ही है, और ये 22 ही चैनल को मिला है। तो नंबर फाइव पर आता है रेड डायमंड क्रिएटर अवार्ड। ये अवार्ड उस चैनल को दिया जाता है जो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है। अभी तक यूट्यूब पर ऐसे 4 ही चैनल हैं जिसमें से 2 हमारे इंडिया के चैनल हैं। नंबर वन पर आता है टी सीरीज विद 178 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। नंबर टू पर आता है प्यूडीपाई 109 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और थर्ड नंबर पर आता है कोकोमेलन 108 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और आखिरी में आता है रिसेंटली 100 मिलियन क्रॉस किया चैनल जिसका नाम है सेट इंडिया विथ 100 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। ये डायमंड क्रिएटर दिखता कैसे है? ये एक ट्रायंगल शेप में आता है जिसके बीच एक डार्क रेड क्रिस्टल होता है, और ये दिखने में बहुत शानदार होता है। और पूरी दुनिया में ऐसे 4 ही चैनल हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये थे यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड जो यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को देता है, जिससे कि उनका मनोबल बना रहे और वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते रहें और अपलोड करते रहें, जिससे कि YouTube भी पैसे कमाता रहे और उसके क्रिएटर भी पैसे कमाते रहे। स्टील का गाइस, इसे पानी के लिए बहुत साल लगे हैं। ओ हमारी मैया 3 साल।